नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर लैब के अंतर्गत आज लैब सेशन 9 में हम नेक्स्ट प्रोग्राम 8 का अध्ययन करेंगे। प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू डिवाइड 8-बिट नंबर्स बाय रिपीटिटिव सब्ट्रैक्शन मेथड। जैसा कि आप जानते हैं कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर का जो असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन सेट है, उसके अंदर हमारे पास जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, उसी तरह से डिवीजन के लिए भी हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर जो मेथड यूज कर रहे हैं, दैट वी आर यूजिंग रिपीटिटिव सब्ट्रैक्शन मेथड, यानी एक लॉजिक लगा रहे हैं कि हम अगर सपोज मुझे क्या करना है, सपोज मुझे 24 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, दैट इज 4, ठीक है। लेकिन मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं 24 में से 6 को माइनस करूं, ठीक है। एक बार माइनस किया मैंने, रिजल्ट आया मेरे पास 18। फिर मैंने 18 में से 6 को माइनस किया दूसरी बार, तो मेरे पास रिजल्ट आया 12। फिर मैंने 12 से 6 को माइनस किया थर्ड टाइम्स, तो मेरे पास रिजल्ट आया 6। फिर 6 से मैंने 6 को रिजल्ट डिवाइड किया, तो मेरे पास 4 टाइम्स रिजल्ट आया 0। तो ये 4 जो है वो मेरा क्वेशेंट हो गया, ठीक है, और रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन मेथड, हमें कितने बार सब्ट्रैक्ट करना है वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं, और उसमें कैरी को मैच करते जाएंगे, कैरी चेक करते जाएंगे। तो ये हम लॉजिक के द्वारा हम रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन मेथड के माध्यम से एक 8-बिट के नंबर को दूसरे 8-बिट के नंबर से डिवाइड करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले हम इसके लिए फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद पहला नंबर जो लार्जर नंबर है, जैसे मैंने 24 और 6 लिया है, मैं फॉर सिंपलिसिटी के लिए ले रहा हूं, नंबर हम कोई भी हेक्स में बड़ा नंबर ले सकते हैं। तो पहला नंबर मेरा लार्जर नंबर क्या है, 24, क्योंकि लार्जर नंबर को ही हमें डिवाइड करना है। तो पहला नंबर हमने लार्जर जो है वो कहां शिफ्ट कर दिया, 24 जो है वो हमने कर दिया ए के अंदर, इस इंस्ट्रक्शन, इस पहले ब्लॉक में, लोड फर्स्ट लार्जर नंबर इन रजिस्टर ए। दूसरे नंबर को जो स्मॉलर नंबर है उसको हम रजिस्टर बी में ले आए, तो दैट मीन्स बी में हमने क्या शिफ्ट कर दिया, 6, ठीक है। देन हमने थर्ड स्टेप लिया, इनिशियलाइज रजिस्टर सी विद 00, रजिस्टर सी को हमने 00 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो इसके माध्यम से सी के अंदर क्या हो जाएगा, 00 आ जाएगा। फाइन, इनिशियलाइज रजिस्टर सी विद 00, ठीक है। अब हम, क्योंकि हमें कितने बार ये, इसमें क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन कितने बार आपका सब्ट्रैक्शन हुआ वो काउंट आपका क्या बताएगा, वो काउंट बताएगा आपके क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये सी को हमने एज ए काउंटर यूज किया है कि सब्ट्रैक्शन का जो मेथड है, सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है, वो कितनी बार परफॉर्म हो रहा है, ये हम सी रजिस्टर के माध्यम से काउंट करते रहेंगे। देन सब्ट्रैक्ट कंटेंट ऑफ बी फ्रॉम कंटेंट ऑफ ए, यानी कि यहां पर जो होगा वो ए माइनस बी होगा, ठीक है, ए माइनस बी। देन इंक्रीमेंट सी बाई 1, अब हम इंक्रीमेंट जो सी है उसे एक बार, जैसे ऑपरेशन हो गया तो हम एक बार इसको इंक्रीमेंट कर देंगे इसका, ठीक है। देन कंपेयर बी विद ए, अब ए को हम बी के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। ए और बी में कंपेयर करने के लिए ए माइनस बी हमेशा माइनस ऑपरेशन करके वो कंपेयर करता है। अगर क्या है, अगर हमने जब कंपेयर किया, जंप इफ देर इज नो कैरी, अगर इनको कंपेयर करने के बाद कैरी जनरेट नहीं होता है तो हम जंप करेंगे कहां पर, सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन पर, ठीक है। यानी हम जब तक सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे जब तक कि हमें जो ए वाला नंबर है वो लार्जर बना रहेगा, ए में से बी को हम जब तक माइनस करते रहेंगे जब तक हमें ए लार्जर बना रहेगा, ठीक है। तो वो कैरी नहीं आएगा जब तक, अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तो दोबारा से सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। और अगर इसमें कैरी आता है, ठीक है, तो कैरी नहीं आता, कैरी आता है तो देन उस कंडीशन में क्या है, फिर वो उसे दोबारा से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम जो रिजल्ट आया हमारा उसे हम 2350 पर स्टोर कर देंगे, ठीक है। एक लोकेशन पर हम उसको स्टोर कर देंगे, और दूसरे लोकेशन पर जो हमने सी के अंदर जो क्वेश्चन आया है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे ए में, और देन ए से फिर दोबारा से हम उसे ट्रांसफर कर देंगे 235 लोकेशन पर। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो 2350 लोकेशन पर और 2351, यहां तो रिमाइंडर आया इस पर, रिमाइंडर, और 2351 जो सी में हमने कितनी बार ऑपरेशन हुआ है वो 2351 पर ऑपरेशन पे आया है, तो वो हमारा हो गया क्वेश्चन।
क्वेशेंट, ठीक है, वो क्वेशेंट हो गया, ठीक है, भागफल जिसे कहते हैं, भागफल और शेष, ठीक है, भाग देने पर भागफल कितना आया और शेष कितना आया। अगर मुझे 25 में, सपोज 24 में, और मान लीजिए मुझे 24 ना लेके हम 27 ले लेते हैं, और 27 में मुझे 6 से डिवाइड करना है, तो 6 4 जा 24, ठीक है, और 3, तो ये 4 जो है ये क्वेशेंट है जो सी के अंदर आएगा, और जो 3 है वो रिमाइंडर है जो आपका 2350 लोकेशन पर मुझे मिलेगा, ये 2351 पर मिलेगा। तो ये दोनों चीजें हमारी इस प्रोग्राम में इस तरह से हमें लॉजिक में मिल रही हैं। उसके बाद प्रोग्राम को हम एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम का लॉजिक है। अब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करें, किसमें, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। तो अगेन हमने यहां पर पहला नंबर जो है वो 7A कंसीडर किया है, और दूसरा नंबर है 07, यानी हमें 7A को 07 से डिवाइड करना है, ठीक है, 7A को 07 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले अगर हम 7A को 0 से 7 से डिवाइड करें, तो 7A दैट इज डिवाइड बाई 07। तो पहले रिजल्ट देख लेते हमारे पास क्या आता है। रिजल्ट हमारे पास आता है 11, 11 क्वेश्चन आता है, 10 जो 11 है वो क्वेश्चन आएगा, और जो रिमाइंडर है वो 03 आता है इसमें। रिमाइंडर इज अ 03 इज अ रिमाइंडर, और दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने जो डिवाइड किया है, अगर हम देखें कि जो हमारे पास नंबर है 7A, 7A को आप 7A को अगर आप डेसिमल में करेंगे, 7A अगर डेसिमल में करें तो ये होता है 122, दिस इज इन डेसिमल, ठीक है। और जो आपका 07 है, 7 जो है आपका वो डेसिमल में 7 ही रहेगा, क्योंकि हेक्सा डेसिमल और सेम नंबर रहता है, तो ये हो गया आपका 07, वो डेसिमल में कहेंगे तो 07 आएगा। तो एक तरह से हम 07 से 122 को डिवाइड कर रहे हैं। तो 07 से अगर आप 122 को डिवाइड कर देते हैं, तो हम वैसे करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये 7 1 जा 7, ठीक है, यहां बच्चा 5, देन 2 लिया हमने, देन हमने लिया 7, 7 से 7 जा जी हो गया आपका 49, देन बचा हमारे पास 03, ठीक है। और अगर हम 17 की बात करें, अगर हम डेसिमल में 17 को देखें, तो डेसिमल में जो 17 है जब इसे आप हेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये 11 हो जाता है, दिस इज इन हेक्स, हेक्स में 11 होता है, और 03 आपका 03 रहेगा। तो जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, हेक्स तो इसका भागफल आ रहा है और 03 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज हम अब यहां पर प्रोग्राम में अपने में देखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में हमने क्या लिया है, सबसे पहले हमने 2000 लोकेशन, पहला हमारा इंस्ट्रक्शन था, हमें पहला जो लार्जर नंबर था वो ए के अंदर लाना था। तो हमने MVI A, 7AH लिया। तो MVI A के लिए हमारे पास जो ऑपकोड होता है वो C3E है, जिसके माध्यम से हम 7A को एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। देन 7A हमने डेटा ले लिया, ये आपका लार्जर नंबर है, दैट इज अ लार्जर नंबर, जिस नंबर में आपको भाग देना है, ठीक है। ये लार्जर नंबर हमने कहा था, ए के नंबर अंदर लेके आते हैं आप। देन दूसरा जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन था, MVI B, 07H, स्मॉलर नंबर को हम बी के अंदर लाए थे। तो हमारे पास MVI B के लिए जो ऑपकोड है वो 06 है, और जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो 07 है, दिस इज स्मॉलर नंबर, क्योंकि हमेशा जब हम सब्ट्रैक्शन मेथड यूज कर रहे हैं तो हम लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने 07 लिया। देन हमने MVI C 00H, ठीक है, MVI C 00H, तो इसके माध्यम से हमने क्या किया, सी के अंदर 00 स्टोर कर दिया। तो 00 आपका आपने नहीं स्लाइस कर दिया इसको, 00 पर रजिस्टर सी को। देन हमने कहा सब्ट्रैक्ट बी, सब्ट्रैक्ट बी में क्या होगा, A-B, ठीक है, ए में आपके पास है 7A और बी में आपके पास है 07। तो पहली बार में 7A से 07 माइनस हो जाएगा, दोनों हेक्स में नंबर हैं ये। तो जो भी रिजल्ट आएगा, 7A अगर आप जब करेंगे 7A-07, दैट हेक्स में करेंगे 7A-07, जब इसको माइनस करते हैं तो मेरे पास आता है 73। तो क्या आता है, 73, ठीक है, क्योंकि देखो ए को हम 10 बोलते हैं, ठीक है, तो जब 7 माइनस करेंगे 10 में से तो 3 बचेगा, तो 73 हो जाएगा, ठीक है। तो 73 बचेगा यहां पर पहली बार में, एक बार में बता दिया, बार बार ये सब्ट्रैक्शन होता रहेगा जब तक कि इस पे कैरी जनरेट नहीं होता। आगे क्या होगा, देन इंक्रीमेंट सी। अब एक बार अगर ऑपरेशन हो गया
क्योंकि जो हमारा भागफल है वो हमारा कितनी बार हमारा डिवाइड हुआ उस पर डिपेंड करेगा। अभी एक बार ऑपरेशन हो तो इंक्रीमेंट सी एक से क्या है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो आई एन आर सी के लिए हमारे पास जो ऑपकोड होता है वो जीरो सी होता है। देन कंपेयर बी, अब हम बी को कंपेयर करेंगे, यानी बी में हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम कंपेयर करेंगे ए, तो ए माइनस बी से होगा ये कंपेयर। तो अगर यहां कैरी नहीं आता, कंपेयर बी विद ए, बी में क्या बचा, अगर कंपेयर करेंगे तो ए माइनस बी से हम देखेंगे, तो अगर इसमें कैरी नहीं आता है, ठीक है, तो ये कहां जम करेगा 2006 पर, यानी कि दोबारा से सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा इसको, ठीक है। लेकिन अगर यहां कैरी आ जाता है, इसका मतलब ये है कि जो भी हम डिवाइड जो सब्ट्रैक्शन कर रहे थे उसमें ए में जो नंबर है पहला नंबर है वो माइनस करते करते इतना रिड्यूस हो गया कि वो बी से छोटा हो गया, ठीक है, तो वहां पर फिर कैरी नहीं आता, तो वहां पर फिर कैरी नहीं आएगा, ठीक है, वो कैरी आ जाएगा, कैरी आ जाएगा तो फिर क्या है उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो जो भी हमारा उस समय एक्यूमुलेटर के अंदर बचा है वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर वो होता है जो आपका जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा पार्ट जब बचता है तो वो आपका रिमाइंडर कहलाता है। तो वो इस समय जो रिमाइंडर है वो बी के अंदर बचा हुआ है, वो एक्यूमुलेटर के अंदर, उसे हमने 2350 लोकेशन पर ले आए। तो 2350 लोकेशन पर अब इस कंडीशन में जो है वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, जो शेष बचेगा वो आपका 2350 लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा। देन हमने एम ओ वी ए कोमा सी, सी के अंदर क्या था हमारा, सी के अंदर हमारे पास भागफल था, जो भाग देने के बाद जो नंबर जितनी बार सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हुआ है वो हमारा कहाँ आएगा, वो आएगा आपका सी के अंदर है, उसे हम ए के अंदर ले आए। तो इसके लिए हमारे पास ऑपकोड होता है 79। देन हमने इस एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 2351 लोकेशन पर स्टोर कर दिया। तो 2351 लोकेशन पर जो मेरे पास है वो मेरा क्या है, वो क्वेशेंट है, ठीक है, वो मेरा भागफल, जिसे भागफल बोलते हैं, भागफल, ठीक है, हिंदी में भागफल या क्वेशेंट, वो मेरा कहां पर है, सी के अंदर है, उसे मैंने क्या कर दिया 235 लोकेशन पे मैं उसे ले आया। तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आया वो 2350 और 2351 पर, 2350 लोकेशन पर तो जो है वो शेष है, शेष जो भी आएगा, शेष क्या था, वो 03 था नंबर के हिसाब से, और 2351 पर जो था वो भागफल था, भागफल, और भागफल मेरे पास क्या था 11। तो मेरा जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, वो हमने यहां देखा है कि अगर आप 7A को 07 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 7A को 7A क्या हमारे पास 122 को अगर आप भाग देते हैं किससे, 07 से, तो यहां पर आपके पास जो रिजल्ट आता है वो यहां पर तो आता है 11, यानी कि जब आप 7 से इसे दे रहे हो, तो हमने अभी दिया था इसे, जैसे हमने दिया था 7 1 7 5 बचा, देन ये 2 और ये 7 बार गया, 7 7 49, यहां बचा 3। लेकिन ये जो हमारे हमने जो भाग दिया है वो डेसिमल में दिया, इट इज इन डेसिमल। जब इसे आप हेक्स में कन्वर्ट करोगे तो इस 17 को जब हेक्स में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 11, जब 3 को हम हेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 हेक्स में 3 ही रहेगा। तो हमारे पास देखें तो क्वेश्चन जो है वो आपका 11 है और जो रिमाइंडर है वो 03 है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम किट पर परफॉर्म करेंगे और किट पर देखेंगे कि जो हमारा रिजल्ट है, पहले हम इस प्रोग्राम को किट में फीड करेंगे, उसके बाद हम किट पे इसे एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट को चेक करेंगे। आइए अब हमने अभी जो पीछे प्रोग्राम स्टडी किया है उसको किट पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। प्रोग्राम था हमारा राइट अ प्रोग्राम टू डिवाइड 8-बिट नंबर्स बाय रिपीटिटिव सब्ट्रैक्शन मेथड, जिसमें हमने पहला नंबर लिया था 7A, जिसे हमने 07 से डिवाइड किया था। तो सबसे पहले हम किट को ऑन करेंगे, स्विच ऑन दी पावर, देन सबसे पहले रीसेट की प्रेस करेंगे, देन प्रेस एक्स मेमोरी की एंड फीड योर लोकेशन एट विच यू वॉन्ट टू स्टोर योर प्रोग्राम। वो लोकेशन डालेंगे जिस पर हम प्रोग्राम फीड करना चाहते हैं, 2000 लोकेशन से हम प्रोग्राम फीड कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रक्शन है दैट इज MVIA
7AH, तो MVIA के लिए जो हमारे पास ऑप कोड है 3E, 3E हम डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, देन 7A, नेक्स्ट। अगला जो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास दैट इज MVIB07H, अब B में हम उस नंबर को डालेंगे जिससे हमें डिवाइड करना है, तो MVIB07H, तो MVIB के लिए जो ऑप कोड होता है वो 06, देन नेक्स्ट और 07, हमने वो डेटा डाल दिया। देन अगला इंस्ट्रक्शन है MVIC00, तो MVIC के लिए जो हमारे पास ऑप कोड है वो है 0E, तो 0E प्रेस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसमें हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 00, नेक्स्ट। अगला हमारा इंस्ट्रक्शन है सबट्रैक्ट बी, यानी अब हम ए से बी को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए सबट्रैक्ट बी के लिए हमारे पास ऑप कोड है 90, तो हम 90 प्रेस करेंगे, 90 नेक्स्ट प्रेस करेंगे। अगला जो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास इंक्रीमेंट सी के लिए हमारे पास जो ऑप कोड है वो 0C, तो 0C हम प्रेस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला इंस्ट्रक्शन है सी एम पी बी, कंपेयर कर रहे हैं हम बी का ए के साथ में, तो हमारे पास जो ऑप कोड है वो है B8, तो हम B8 प्रेस करेंगे, दैट इज B8, नेक्स्ट करेंगे। फिर हमारे पास अगला इंस्ट्रक्शन JNC 2006, JNC के लिए हमारे पास जो ऑप कोड है वो D2 है, तो हम D2 प्रेस करेंगे, D2 नेक्स्ट, और जंप नॉट कैरी, अगर कैरी नहीं आता तो कहाँ पर शिफ्ट करेगा, 002006 पर, तो 0620 नेक्स्ट। अगला इंस्ट्रक्शन हमारे पास STA 2350, तो STA के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन 32 होता है, तो हमने 32 प्रेस किया और अब लोकेशन डाली 50 नेक्स्ट 23 नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास अगला इंस्ट्रक्शन MOV A, C के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन टॉप कोड है 79 प्रेस किया, नेक्स्ट प्रेस किया, देन स्टोर एक्यूमलेटर, अब हमारे पास जो एक्यूमलेटर में उसे हम 2351 पर लेकर जाएंगे, तो 2351, तो हमारा STA का जो इंस्ट्रक्शन है 32 प्रेस करेंगे, देन लोकेशन देंगे 5151 लोकेशन आ गया, देन हम 76 प्रेस करके प्रोग्राम को होल्ड कर देंगे, नेक्स्ट। तो ये हमने अपना प्रोग्राम फीड कर दिया, अब आप एक बार इसे रीसेट करेंगे और एक्स मेमोरी पी की प्रेस करके एक बार प्रोग्राम को हम रीचेक कर लेंगे। 3E 7A 06 07 0E 00 90 0C 08 D2 06 20 32 50 23 79 32 51 23 76, ये प्रोग्राम हमारा इसमें फीड हो गया। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेस डेल डेटा की, देन फिल की, गो की, नाउ एंटर योर स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ योर प्रोग्राम, देन प्रेस फिल की, ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो गया, देन वी रीसेट दी किट। अब हम जिस लोकेशन पे हमने प्रोग्राम को अपने को स्टोर किया है रिजल्ट को, उसे हम चेक करेंगे, तो रिजल्ट हमारा था 2350 पर हमारा रिजल्ट था, और रिमाइंडर जा तो क्वेशेंट जो था वो था हमारा 2351 पर, ठीक है, तो क्वेशेंट जो है 2351 पर है और रिमाइंडर जो है वो आपका 2350 पर है। तो पहले हमने रिमाइंडर जो था हमारा उसको हमने किया था, देन उसके बाद हमने क्वेशेंट को डाला। तो आप प्रेस एक्स मेमोरी की 2350, तो देखिए 03 हमारा जो पीछे हमने प्रोग्राम जब देखा था तो उसमें जो हमारा रिमाइंडर आ रहा था शेष जो बच रहा था वो 03 था, और जो क्वेशेंट था भागांक जिसे कहते हैं भाग देने पर जो रिजल्ट आया है वो 2351 पर है। 2351 पर चेक करते हैं तो देखिए 11,
तो हमारा जो रिजल्ट था वो 11 था और रिमाइंडर जो बचा था वो 0 था। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब प्रेस को रीसेट करेंगे और स्विच ऑफ कर देंगे। थैंक यू। ये प्रोग्राम देखा फॉर द डिवीजन ऑफ 28 बिट नंबर्स बाय रिपीटेटिव सबट्रैक्शन मेथड, जिसमें हमने किट के माध्यम से भी जो भी प्रोग्राम हमने जिसका फ्लो चार्ट देखा, उसके बाद हमने प्रोग्राम का मेमोनिक्स कोड्स डेवलप किया, देन उसको हमने किट पर एग्जीक्यूट किया। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देन अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जो भी वीडियो भविष्य में अपलोड होंगे आपके विषय से संबंधित, वो आपको समय अंतर्गत मिलते रहेंगे। धन्यवाद।